देखो पूरे स्नो कैप वाले माउंटेन्स है पूरे। मैं मोबाइल से शूट करता हूँ भाई। बूम भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेवी ट्रैवलर। भाई साहब धूप, क्या रात को ठंड से पागल हो गए थे इसलिए जल्दी सो गया। अब धूप इतनी है कि आंखें खुल नहीं रही है उसमें। ये देखो भाई, आजू बाजू में कुछ नहीं है, बस यही होटल है। तो भाई साहब, कल हम सिर्फ अकेले थे यहाँ पर जब आए थे। फिर जब खाना खाने गए हैं तब एक फैमिली आई है जो हमारे साइड में ही है। तो तीन ब्रेड ऑमलेट बुलाया है और ये इसमें क्या है? इसमें पराठा। पराठा, ठीक है भाई। कैसा है टेस्ट? गुड, प्रीटी गुड। और भाई अभी का जो हाल है, जो ये देखिए, सब कुछ हमने थोड़ा सा धूप खाने के लिए रख दिया। शूज़ वगैरह, हेलमेट भी रख दिए। ये मेरी करामत नहीं है, ये मियान की करामत है। और ये रहा भाई व्यू यहाँ का। और हमारे से एक गलती हुई कल, हमने जो गिराए थे हेलमेट भाई, इस पे क्रैशेस वगैरह ज़्यादा आ गए। अभी ये देख रहे हो, अंदर से भी है थोड़े से क्रैशेस। तो अंदर से भी ज़्यादा क्रैशेस है और अभी भी टेम्परेचर गिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बढ़ गया है, धूप की वजह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नहीं तो भाई, टेम्परेचर सुबह जब मैं यहाँ पे खड़ा था वहाँ तब भी 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास था। धूप ने बचा लिया आज। तो भाई अब हम रूम छोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ रूम का दरवाज़ा, बहुत ही प्यारा रूम था और गर्माहट भी अच्छी खासी थी उसमें। वुडन है सब, मोस्टली चीज़ें वुडन की है उसमें, तो चल जाता है। ये साइड देखते व्यू कैसा है? ये हमारे अपोजिट साइड वाला व्यू है। ये देखो भाई, यहाँ की बालकनी बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी। तो भाई यहाँ पे हमने बाइक्स लगाई थी हमारी। ये सामान तो आ गया है, अब लगे सिस्टम वापस पैक करो, वही चीज़ करना है। पहले तो अच्छे से भाई हेलमेट रखता हूँ। कॉल स्टार्ट देना शुरू है, बाकी सब रेडी है, कोई टेंशन नहीं। और ये जो माउंट अभी किया है वो भी सही है अभी के लिए। क्या पता क्या करूँगा मैं इससे, अगर महंगा हेलमेट ले लिया मैंने वो ऐसे गिराते रहूँगा तो बस ख़त्म हूँ मैं। और ये हमारे यहाँ के होटल के लोग हैं, उनको फ़ोटोज़ खींचना है, तो हमने भाई कोई टेंशन नहीं अपने को। और बहुत अच्छी सर्विस दी है। और इस होटल का नाम है ग्रीन व्यू और ये पड़ता है चक्राता से 15 किलोमीटर और लोखंडी, आई थिंक लोखंडी आप जाओगे जब भी उसके बीच पड़ता है। तो ये एक्चुअल में लोखंडी नहीं आता है। तो ये देखो भाई, इसका हाई हिल होटल रेस्टोरेंट, यहाँ पे नंबर वगैरह भी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नंबर्स का। लोखंडी मीनार त्यूनी रोड चक्राता। सैया सैया
तो कल का ट्रिप हुआ था 105 पूरा, और अभी वापस अपन उसको जीरो करेंगे। ये हो गया जीरो। यहाँ से मसूरी है 90 किलोमीटर्स, 90 या 100 किलोमीटर्स है, और उसके आगे है धंतोली। नहीं, मसूरी के आगे क्या है? मसूरी के आगे, हाँ, तो मसूरी के आगे लैंडर है 5-6 किलोमीटर पे। तो हम मसूरी से निकल जाएंगे लैंडर की तरफ, वहाँ पे कुछ आधा एक घंटा वहाँ पे रुकेंगे, वापस मसूरी में आकर होटल करेंगे। भाई साहब आज का प्लान है। और भाई साहब ये रूट, बाइकर्स अगर आ रहे हो ना तो ये रूट सबसे बेस्ट है भाई। चकराता आओ, चकराता से मसूरी के लिए जो रोड जाता है वो आज हम कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। वो इससे भी प्यारा है ऐसा लोग कहते हैं, बट हाँ आज देखेंगे भाई। चलो जय श्री राम। यहाँ से निकलना, और ये चढ़ाना है भाई। तो देख पा रहे हो आप कितना ऊपर है? ये जितना है उतना चढ़ना है, एक ऐसे 21 में है। तो पहले जाएंगे अपने मियान भैया। ओहो, सही सही। ओ भाई 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 भाई, निकल गया निकल गया। ये दूसरे गियर में, यह बात एकदम प्यार से चढ़ रही है। हो, यह बाइक पे तो सच में दिल है भाई। यह आ गए हम, वो हमारा होटल है भाई। हमने बोला था जब ऊपर आ रहे थे तो यही होटल में रुकना है, तो यही होटल में रुके हैं। और बेस्ट व्यू, बहुत प्यारा व्यू मिला है। और भाई ठंड, -4, रात को -4 था भाई, अलग लेवल पे। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा ठंडे पानी में डुबा दिया है हमको, इतनी ठंड लग रही है थी। तो ईशान शायद रुक गया है पीछे फोटोज के लिए, तो हम आराम आराम से जा रहे हैं। निहान जी हमारे आगे निकल गए। तेरे दोस्त को भाई थैंक यू बोल देना भाई, पहले बोल दिया भाई मैंने उसको। सच में थैंक यू बोलना कि भाई इतना अच्छा व्यू हम छोड़ देते थे, इतने अच्छे रास्ते। सही है। Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. भैया अभी हम हैं चक्राता में। अब ये जो रोड जाता है ये देहरादून जाता है, और ये जाता है मसूरी। तो हम जा रहे हैं मसूरी की तरफ। चलो भाई, भाई उधर साइड देखो, पूरे स्नो कैप वाले माउंटेन्स है पूरे। मैं मोबाइल से शूट करता हूँ भाई, हमको दिखाता हूँ उनको। बहुत ही प्यारे हैं भाई, एक नंबर। स्नो कैप माउंटेन्स पूरे, ये देखो भाई सबसे बड़ा ये दिख रहा है। उधर भी जाने के लिए सिर्फ 2 घंटे लगने हैं, तो भाई थोड़ा आराम से जाएंगे।
स्लिप हुआ क्या? ठीक गाड़ी अगर चालू है देखना भाई यहाँ पे स्लिप होके गिरा हूँ मैं। और ये जो स्क्रैचेस है ये मेरे ही है और ये चीज टूट गई है, ये इसका हेडलैम्प का है, इसका ध्यान रखना भाई अगर आ रहे हो तो। उस पर तो पैर नहीं टिक रहे, ठीक है? क्या गिरा, कहाँ टूटा है? ये टूटा है भाई यहाँ का। तो कहाँ पे लगाएंगे पर शॉटी? ये निकाल के उसमें डालूंगा। दुख रहा कुछ? हेलो हेलो सर गाइस, अभी गिरा था मैं तो ये देखो ये स्क्रैचेस यहाँ पे इसके ऊपर पूरे, और ये चीज़ बेंड हो गई है तो ये मसूरी में जाके देखेंगे, अभी स्ट्रेट करेंगे उसको। बाकी किधर कुछ टच नहीं हुआ है, मैं भी एकदम सही हूँ, मेरे को यहाँ पे लगी थी, गार्ड ने बचा लिया, सबसे सही काम किया है। और ये पलट गया था भाई पूरा, अब ग्लास भी पलट गया है, ये अभी सीधा नहीं हो रहा है, तो ठीक है कर लेंगे अपन। बाकी सब बढ़िया, गाड़ी की माफी आज तू सही होने को। हाँ नहीं रे मैं तो एक बार जैकेट निकाल, ग्लास भी निकाल, थोड़ा रेस्ट कर ले क्योंकि वो आदमी साथ एकदम, हेलमेट निकाल। हाँ हाँ ये तो सही, थोड़ा रेस्ट कर ले अच्छा लगेगा। गाइस मसूरी पहुंच गए अच्छे से एकदम, और ये हमारा लगेज सिस्टम अब निकालेंगे हम यहाँ से सब कुछ। भाई साहब ये भी गिरने के बाद तो मेरा माउंट टूट गया था गोप्रो का जो यहाँ पे लगता है, तो आज फिर से करेंगे गोप्रो माउंट का वो सेटअप वापस करेंगे। और जो रास्ते से हम शॉर्टकट लेके यहाँ पे पहुँचे हैं वो गजब था, कि दो तीन टाइम मेरी सी फटके हो गई थी कि भाई यहाँ से गाड़ी नहीं चढ़ सकती, तभी भी हमने चढ़ाई है। अब गोप्रो किसी का शुरू नहीं था और हमारा तो कुछ नहीं। भाई ये देखो मसूरी हमारे पीछे, वो जो रोड है ना वहाँ से शॉर्टकट लिए है हमने डायरेक्ट ऊपर, तो तुम समझ सकते हो कैसे रोड से आए हैं, ऐसे जिगजैग आते हैं पूरे रोड से ऊपर, तो हम यहाँ से चढ़े। ओ भाई भाई, और अभी से ठंड बजना शुरू हो गई है, पता नहीं अब क्या करेंगे यहाँ पे। बस जल्दी फ्रेश होके माल रोड के लिए निकल रहा है, वहाँ पे घूमेंगे, एमसील लेना है ख़रीदना है, और आते आने के बाद भाई वापस गोप्रो का सेटअप पूरा करवाना है। बाकी सब बढ़िया है, एक तो भी अच्छी चीज़ होगी, मुझे ज़्यादा लगा नहीं, मैं एकदम आराम से गिरा हूँ, मैं तो वही टेंशन में था कि साला पैर को लग गया था मेरे ताकत से, वो जो रेलिंग थी वो मेरे पैर पे लगी थी, बट अच्छी बात ये है कि हमको कुछ हुआ नहीं, सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें बाइक को हुई है, वो चलता है, वो मैनेजेबल है, वो होते रहता है। मैंने जान बचाई बोल, हाँ ना ये बंदे ने जान बताई है, मैंने जान बचाई है मैं। हाँ ये बंदा आधे घंटे बाद आया है मुझे, मैं गिरने के बाद ये बंदा आधे घंटे बाद आया है, था भी नहीं वो वहाँ पे। हाँ एक चीज़ अच्छी है, ओ भाई क्या हो रहा है भाई, आज ऊपर रिसेप्शन है और रूम्स के लिए नीचे जाना पड़ रहा है।
हे ब्रो, अरे रूम 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 गुड, अच्छी डिसेंट है भाई, क्या चीज़। देखो भाई डिसेंट सी रूम है, देखो ये किंग साइज बेड है, एक मेरा बेड यहाँ पे लग जाएगा नीचे। यहाँ पे हमारे सब गियर्स लगेंगे, यहाँ पे बैग्स वगैरह आ जाएंगे, बाथरूम है अच्छा खासा है, बस इतना ही रूम टूर है, मैं फ्रेश होता हूँ फिर मिलता हूँ। GPS signal lost. सो गाइज, हम अब जा रहे हैं माल रोड मसूरी की तरफ मेन मार्केट में, और भाई व्यू तो देखो क्या प्यारा है। साला ये थोड़ा ऊपर चढ़ना है तो थोड़ा भाई आदत नहीं है ना ऐसा चीज़ें करने की, इसलिए सीधा यहाँ तो सबसे ज़्यादा हालत इस बंदे की ख़राब हुई है, ऐसा लग रहा है मियन भैया। दम डाल रहा है भाई। चलते चलते भाई 1.5-2 किलोमीटर चला दिया ये ईशान ने हमको, चुपचाप गाड़ी ला देते। नहीं सही है भाई, सही है। पहले तुम नीचे जाते थे फिर ऊपर जाते थे 4 किलोमीटर बाइक से, और उसके ऊपर हेलमेट कैरी करना था, बाइक माल रोड पे पार्क नहीं होती है, रैंडम जगह पे छोड़ के आना पड़ता था, और वो हम नहीं कर सकते। Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. So hey guys, हम वापस आ गए अभी रूम पे, अच्छी खासी ठंड है, 5 डिग्री तक उतर गया है टेम्परेचर, बट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।